पीएचपी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे मल्टीपल एरे। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं एक एरे का नाम देता हूँ डाटा इक्वल टू, और आज हम लोग सीखेंगे मल्टीपल एरे। तो मल्टीपल एरे बनाने के लिए सबसे पहले जैसे हम लोग एरे क्रिएट करते थे तो एरे फंक्शन का यूज कर रहे थे, इस प्रकार से एक एरे लिखेंगे और फिर क्लोज और ओपन ब्रैकेट देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर से हम एरे लिखेंगे और फिर ब्रैकेट, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, इस प्रकार से जितना भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। एक टेबल 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 के हिसाब से सोच लीजिए, ये पहला आपका इसका रो हो जाएगा, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है। और कॉलम जो होगा, जो भी डाटा हम यहाँ पुट कर रहे हैं, जैसे मैं एक कोर्स डिटेल का बनाना चाहता हूँ, जैसे ये कोर्स का नाम हो गया DCA, और ये ड्यूरेशन जो है कोर्स का ये है आपका 6 मंथ, और उसके बाद इसका रेट जो है ये मान लीजिए 4500। उसी तरह से अब नीचे में फिर एक कोर्स का बनाएंगे हम लोग, यहाँ बना देते ADCA, उसके बाद कॉमा, और इसका जो है ड्यूरेशन 12 मंथ, और रेट जो है वो दे देते यहाँ पे 7500। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बना देते PGDCA कॉमा, उसके बाद इसका भी 12 मंथ, और फिर कॉमा, इसका रेट 9000 हम लोग दे देते हैं। अब इसका कोई भी वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो ये किस प्रकार से काम आएगा, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए इको, जैसे कि जो हमारा एरे का नाम है डाटा, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन 0, और पहला वैल्यू देखना है तो भी हम यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ सेव करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सर्वर अपना खोलेंगे और सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग गूगल क्रोमो ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल, यहाँ पे हम लोग देखिए ये फाइल नेम है हमारा मल्टीपल एरे, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये DCA दिखा रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट डाटा जो रहेगा वो आपका हो जाएगा 01, देखिए 6। तो इसको पूरा एक साथ देखने के लिए हम लोग लूप यूज करेंगे, तो यहाँ मैं यूज करूंगा फोर लूप। यहाँ एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम मैं R रख देता हूँ और इसका वैल्यू 0, उसके बाद फिर ये जो वेरिएबल रहेगा R ये लेस देन रहेगा, ये काउंट फंक्शन जो पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था CoUnt काउंट, और काउंट फंक्शन जो होगा एरे का साइज हम लोग को रिटर्न करता है। यहाँ पे हमारा एरे का जो नाम है वो देना पड़ेगा डाटा, और उसके बाद फिर इसको हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद इसके अंदर में फिर एक फोर लूप चलाएंगे हम लोग, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम मैं C रख देता हूँ कॉलम हिसाब से, और इसके अंदर में अब हम डाटा प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए इको, और उसके बाद यहाँ पे जो एरे का नाम है, फिर यहाँ पे R जो रो का वैल्यू आएगा, और यहाँ पे फिर C। और ऊपर में एक, ऊपर में नहीं, यहाँ पे ही
नहीं, ऊपर में ही एक इको करवाते हैं हम, और यहाँ पे मैं एक HR ले लेता हूँ एक हॉरिजेंटल लाइन के लिए। ठीक है, अब चलिए इसको फिर से एक बार हम लोग देखते हैं प्रिंट करके। यहाँ पे एरर, अच्छा यहाँ देखिए क्लोज नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो लाइन नंबर 16 में गलत दिखा रहा है। लाइन नंबर 16 तो ये है। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनेटर साइन नहीं दिए हम लोग। अब फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ तो रहा है, बट यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है। यहाँ पे कॉमा नहीं होगा। अब इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अच्छा, इसको हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो आ रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे डॉट दे के यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं। स्पेस का बदली मैं यहाँ पे एक साइन ले लेता हूँ इस प्रकार से, तो अब वो ठीक हमारा डाटा को सेपरेट करके दिखाएगा। ये देखिए, ये पहला वाला रो का डाटा DCA 6 और ये 400। तो इस प्रकार से मल्टीपल डाटा जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आज का क्लास मल्टीपल एरे इन PHP।